जानकारी दे दूं कि नौकरी से ज्यादा असुरक्षित काम अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा है, नौकरी से ज्यादा असुरक्षित काम कोई नहीं बचा है, और मिडिल क्लास से ज्यादा बेचारा आज इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। उसका कारण बता रहा हूं आपको। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी आए थे, वो इस समय बीच बीच में आते हैं बात करने के लिए, थोड़े दिन पहले टीवी में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना की वजह से संकट आया है तो इस देश के 80 करोड़ लोगों को हम खाना देंगे, 80 करोड़ लोगों को हम खाना देंगे। ये खाना देने वाले कौन से लोग है पता है? ये मिडिल क्लास लोग नहीं है, ये मिडिल क्लास लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे हैं। जरा सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे हों, उस देश की हालत क्या होगी। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, 2-4-6 लाख लोग ऐसे भी हैं इस देश में। आपको मैं बताऊं, पिछले साल तक का डेटा है, भारत देश में 4 लाख लोग ऐसे हैं जो करोड़पति, 4 लाख लोग, करीबन 4 लाख लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। और अमेरिका में ये संख्या, जबकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहां पर हमसे 10 गुना ज्यादा करोड़पति। अब उसमें अंतर क्या है? हमारे यहाँ पर करोड़पतियों की संख्या कम है और वहां पर करोड़पतियों की संख्या ज्यादा है। ये अंतर अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने आप में, जहां पर आप बैठे हैं, अपने आप से कहिए कि हाँ हम जानना चाहते हैं, अपने आप से कहिए, वो ऊर्जा हमारे पास तक आ जाएगी अगर आप ये अंतर जानना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो वहां पे हर व्यक्ति को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाता है। वहां पे जो पढ़ाई कराई जाती है वो ये नहीं कराई जाती है कि बड़े होके आपको नौकरी करनी है, बल्कि पढ़ाई ये कराई जाती है कि बड़े होके आपको वो काम करना है जो काम आप करना चाहते हो, आपको वो काम करना है जो आप बनना चाहते हो। ये नहीं कि आपको फिक्स है कि आपको नौकरी ही करनी है। नौकरी करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोग अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने के लिए पैदा हुए। 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मानव शरीर मिलता है, और अगर ये मानव शरीर मिलके भी अधूरा जीवन जी के चले गए तो ऊपर जाके कभी मन को संतोष नहीं होगा, बहुत पछतावा होगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि हमारी ये हमारी उद्यमी बनने वाली सोच ही नहीं, हमारी उद्यमी बनने की सोच को मार दिया गया है। और किसने मारा है? हमारे अपने लोगों ने मारा है। तो गरीबों की चिंता तो फिर भी सरकार कर लेती है कि खाना दे देती है, अमीरों की चिंता भी सरकार कर लेती है और वो अपनी चिंता खुद कर लेते हैं। लेकिन आपने मोदी जी के मुंह से क्या सुना कि मिडिल क्लास के लिए कुछ उन्होंने प्लान किया? आप में से किसी ने सुना कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई है? मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को इस कोरोना संकट में कोई उनको स्टैंड हो रहा है उनके साथ में? कोई नहीं सुना होगा, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे अलग थलग छोड़ दिया गया है, उनको एक थैंक यू बोल दिया है, बस एक थैंक यू बोल दिया है कि मिडिल क्लास आदमी टैक्स पेयर होता है। बहुत बढ़िया, अभी डीएस परमार जी ने कमेंट किया कि आम आदमी आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। ये जो खजूर पे अटका है ना परमार साहब, ये मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी और कोई नहीं है, सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है, उसके लिए कोई नहीं सोचता है। अगर 100 लोगों की नौकरी निकलती है तो आज 10 लाख लोग फॉर्म भरने को तैयार बैठे हैं। पढ़े लिखे लोगों की भीड़ मच गई है, छोटे छोटे ऐसे नौकरी के लिए, तीसरी ग्रेड, चौथी ग्रेड। अभी इलाहाबाद में कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि ऑफिस में पानी पिलाने का काम करने के लिए पीएचडी लोगों ने फॉर्म भरा था, डॉक्टरेट लोगों ने, एमबीए लोग फॉर्म भर रहे हैं वो काम करने के लिए, जो 10वीं पास आदमी के काम करने के लिए होता है। जरा सोचिए हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति क्या है। ये वही मध्यम वर्गीय परिवार है जो ये कहता है कि पढ़ लिख के नौकरी करो, और नौकरी कर करके हमने हमारे भविष्य को कहां पहुंचा दिया है, जरा सोचिए। और दूसरी प्रॉब्लम एक हमारे साथ में क्या है पता है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नौकरी से ज्यादा, एक तो नौकरी मिलती नहीं, और अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी बचाने की टेंशन फिर एक पैदा हो जाता है। अभी ये कोरोना आने के बाद सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार का हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, और जो बच्चे भी हैं उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, तरह तरह से प्रेशर किया जा रहा है, अलग अलग टारगेट दिए जा रहे हैं, यानी वो ना तो पैसे से मजबूत हो पा रहे हैं और ना ही उनका मानसिक संतुलन ठीक हो पा रहा है। दोस्तों मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार की क्या समस्याएं हैं, और वही अधिकार से, उसी अधिकार से मैं आपसे कहता हूं कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस को जरूर करिए, जरूर करिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस को जरूर करिए। ये अकेला ऐसा बिजनेस है जो मध्यम वर्गीय परिवार की जरूरतों को समझता है, ये अकेला ऐसा बिजनेस है जो मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान को करोड़पति बनाता है और बनाएगा। ये दम इस बिजनेस में है दोस्तों। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात, मिडिल क्लास के पास टैलेंट बहुत ज्यादा है,
काम करने की भूख है, मेहनत करने की ललक है, मौका नहीं है। एक तो पहली बात ये मौका मिला, और दूसरी बात यह है कि जब ये मौका मिला तो इस मौके पे चौका मारने के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। आप ये चिंता मत करना कि हम ये बिजनेस कैसे करेंगे। अगर आप नौकरी करना सीख गए हैं, अगर आप छोटा मोटा अपना कोई काम करना सीख गए हैं, तो ये बिजनेस करना बहुत आसान है। यहाँ पे लोगों से बात करनी, बस बात कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, ये सब कुछ हम यहाँ पर वी फैमिली में, हम यहाँ पर आपके सीनियर्स मिलके सब लोग हम आपको सिखा देंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आने वाले 3 साल बाद, ये लाइन बहुत अच्छे समझिएगा जो बोल रहा हूं, किसी बॉस के मूड से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौकरी वालों को देखना पड़ता है कि मेरे बॉस का मूड कैसा है। मेरे बॉस का मूड खराब हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि वही मुझे तनख्वाह देता है, और अगर वो नाराज हो गया तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। और इसीलिए नौकरी वालों को हमेशा यस सर बोलना पड़ता है। वो नो सर कभी बोल ही नहीं सकते, वो सवाल कभी पूछ ही नहीं सकते, वो जिंदगी भर यस सर यस सर यस सर यस सर करते रहते हैं। मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कर चुका हूं, खुद मैंने देखा है, और कुछ ऐसी घटनाएं मेरी जिंदगी में हुई थी जब मुझे समझ में आया कि अगर मैं 10 साल भी नौकरी करता रहा तो भी मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, और आज वही हुआ। आप देख लीजिए, जरा सोचिए, जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनकी उम्र आज 45 साल 50 साल है, आप मुझे बताइए वो लोग आज क्या करेंगे। लिंक्डइन करके एक प्लेटफॉर्म होता है, लिंक्डइन जैसे आपका फेसबुक वगैरह होता है, वैसे एक लिंक्डइन होता है। वहां पर मैं सोशली थोड़ा एक्टिव हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं वहां पर, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनियों के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा पर्सनल डेवलपमेंट में, उसमें मैं काम करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग जो किसी कंपनी के सीईओ थे, जो किसी कंपनी के मैनेजर थे, 20-20 साल से काम कर रहे थे, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, और वो वहां पोस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें कहीं पर भी नौकरी दिलवा दो। कारण ये है, उनकी किस्तें नहीं बंद हो रही हैं, उसमें मोदी जी ने कोई छूट नहीं दी है, इंस्टॉलमेंट में कोई छूट नहीं है, सब दिखावे के लिए है। आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि फैक्ट इंसान को न्यूट्रल होकर समझना चाहिए। तो उन्होंने गरीबों की चिंता कर ली, उन्होंने बड़े बड़े लोगों की चिंता कर ली, लेकिन प्रेम राज की कोई चिंता नहीं की। उनको किस्त अभी भी टाइम पे देनी है, स्कूलों की फीस आपको देनी ही है। बच्चे आज आपको व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, आपको पता, आपके भी बच्चे होंगे, आप मुझे बताइए सही है गलत है। जितनी फीस आपकी पिछले साल लगी होगी उतनी ही फीस अभी भी लग रही है, उसमें कोई छूट मिली? कोई छूट नहीं मिली। अब जिस माँ बाप को नौकरी से निकाल दिया गया है, अब जब उसको अपने बच्चे की फीस भी देनी है, गाड़ी की किस्त भी देनी है, मकान मालिक का किराया भी देना है, अपना खर्चा भी चलाना है, वो इंसान अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा होगा, सोचिए। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जिस तरह एक 4 पहिया गाड़ी में स्टेपनी साथ में रखी जाती है, कि अगर एक गाड़ी का टायर पंचर हो तो तुरंत स्टेपनी लगा ली जाए, वैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि माई लाइफस्टाइल को आप अपनी लाइफ में एक स्टेपनी के तौर पर ले लीजिए। भगवान का आशीर्वाद मानिए कि आपको एक ऐसा मौका मिला है कि आप अपनी नौकरी, आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस, आप अपनी खेती, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ माई लाइफस्टाइल को एक स्टेपनी के तौर पर ले लीजिए, जिससे अगर कभी लाइफ में ऐसा मौका आपके साथ आए कि आपका भविष्य आपको असुरक्षित दिखे, उस समय आप डंके की चोट पे काम कर सको, और अगर वो नौकरी आपको छोड़े उससे पहले आप उस नौकरी को छोड़ के बोलो कि मेरे पास मेरा बिजनेस है और मैं काम कर सकता हूं। ये एटीट्यूड से आपको दोस्तों इस बिजनेस को अपनाना चाहिए। और करना क्या है इस बिजनेस, सबसे बड़ी बात क्या है, करना क्या है, एक शॉपिंग करनी है। शॉपिंग जो रत्नेश जी ने आपको बताया कि शॉपिंग, खरीदारी आप ये बिजनेस करोगे तो भी करोगे, और ये बिजनेस अगर नहीं करोगे तो भी करोगे, लेकिन आज तक की खरीदारी ने आपके लिए खर्चा बनाया है, ये खरीदारी आपकी जिंदगी में आमदनी का दरवाजा खोलने वाली है, ये खरीदारी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है, ये खरीदारी अगर आप में दम होगा, अगर आप कमिटमेंट वाले आदमी होगे, तो एक दिन आप करोड़पति भी जरूर बनोगे। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, मुझे भी पहली बार इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं एक चीज कहूंगा कि दोस्तों अपने आप को सक्षम बनाइए, ये समय आ गया है। और आने वाला समय, जिस तरह से आज से 50 साल पहले लोग नौकरी के महत्व को नहीं समझते थे, उस तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग का, आज नेटवर्क मार्केटिंग का, आज माई लाइफस्टाइल का समय, अगर आज नहीं समझे तो 5-10 साल बाद आपको इस बात पे पछतावा होगा कि उस दिन मुझे ये बिजनेस मिला था और मैंने इस व्यवसाय को नहीं चुना।
दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन एक अल्टीमेटम है, एक अलर्ट है हमारे लिए कि अभी जाग जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों आप इस बिजनेस में इंटर होइए, विश्वास के साथ इंटर होइए, जॉब मेंटालिटी नहीं बिजनेस मेंटालिटी से आइए, इस बिजनेस में मालिक बनकर के आइए। और एक चीज कहूंगा कि इफ योर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन यू, देन यू आर इन डेंजर। एंड इफ योर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन योर बॉस, देन यू आर इन सुपर डेंजर, देन यू आर इन थ्रेट। बिकॉज ऐसे टाइम पर आपकी लाइफ का कंट्रोल अगर किसी के हाथ में है तो आपकी जिंदगी बहुत खतरे में है। मैं कहूंगा माई लाइफ स्टाइल बिजनेस को अपने लिए सिक्योरिटी के लिए अपनाइए, माई लाइफ स्टाइल को अपने लिए पार्ट टाइम इनकम के तौर पर अपनाइए। अगर आप कोई भी और काम कर रहे हैं, आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफे, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ये कहा है यू मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल इनकम सोर्स। यानी आप कभी भी आमदनी के एक स्रोत पर निर्भर मत रहिए। उसी तरीके से मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपना नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, फिर भी आपको माई लाइफ स्टाइल करना चाहिए। 3 से 5 साल इस बिजनेस को करिए, आप आमदनी जरूर करेंगे और आमदनी के साथ आपका व्यक्तित्व विकास होगा, आप एक सुरक्षा की तरफ जाएंगे, आप कम टेंशन भरी जिंदगी जिएंगे, बिकॉज आप यहाँ पर अपने मालिक स्वयं होंगे। क्योंकि आज हमारे पास लिमिटेड समय है, आज मैं इतनी ही बात करूंगा, अभी आपके बीच में मोहित सर आएंगे, आप उनको सुनिएगा। तो मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक चीज कहूंगा, यू मस्ट ज्वाइन दिस बिजनेस। पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं आपको, इसलिए नहीं कि मेरा कोई एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, इसलिए कि आपकी जिंदगी में अगर आपने आज मेरी ये बात मानी तो आने वाले 3 से 5 साल बाद आप इस चीज के लिए मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे कि हाँ सर आपने सही सलाह दी थी। दिस इज द टाइम फॉर पार्ट टाइम इनकम, दिस इज द टाइम फॉर सिक्योरिटी, दिस इज द टाइम फॉर टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज द टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द टाइम फॉर माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग, एंड बी फैमिली एंड हार्वेस्ट हमेशा आपके साथ है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय माई लाइफ स्टाइल, जय बी फैमिली, जय हिंद, थैंक यू।